इस वीडियो में आज हम लोग जो है मैथ क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा है, मैथ्स क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है, जिसमें से क्लास 2, जिसमें से मैंने 1 से 4 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं, और 5 से 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, जो कि इसमें CBSE, ISSC, UP बोर्ड सभी के लिए ज़रूरी है। और टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा सेल्फ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, 3x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147, ठीक है। 3, ये a-b का होल स्क्वायर है। आप लोगों को फार्मूला नहीं पता होंगे तो मैं आपको फार्मूला थोड़ी बता दे रहा हूँ। पहले आप फार्मूला देख लो, एलजेब्रा के फार्मूला क्या होते हैं। a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए ए प्लस बी और ए माइनस बी। नेक्स्ट में एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। आगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए ये फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एलजेब्रा के फार्मूले हमेशा आपको कहीं ना कहीं यूज इनका मिलेगा आपको। चलिए देखिए, इसमें देखिए कि ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो आप ओपन करो, ये 3 आपका लिखा ही रहेगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 147। देखो ये 3 से 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 49 इधर लेकर आओ माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x और जब 14 और माइनस का आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 45 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके आए 4, तो 9 5 जा 45 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इसमें इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9 बचेगा, प्लस का 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इनसे कॉमन होगा x माइनस 9, तो x माइनस 9 कॉमन कर लिया तो बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या करोगे,
एक बार इसको इक्वल जीरो कर दो तो एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू नाइन, एक हो जाएगा एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो है, ट्वेल्व के फैक्टर करो माइनस करके आए वन, तो फोर और थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे थ्री एक्स। अब इससे एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स एक्स माइनस फोर, आप एक्स कॉमन करोगे एक्स माइनस फोर, यहाँ से प्लस का थ्री कॉमन करो तो प्लस का थ्री कॉमन करोगे तो ये भी आ जाएगा एक्स माइनस फोर, कितना आ जाएगा एक्स माइनस फोर और इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, अब आपको एक्स माइनस फोर दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस फोर कॉमन बचा, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक बार इसको इक्वल जीरो कर दो, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू फोर, ये आंसर आ गया है। एक हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये दोनों आपके आंसर, और जो कि आपके जो है ये नेचुरल नंबर एन से डिनोट कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, एक्स इज इक्वल टू एक इंटीजर आना जरूरी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, टेन टू जा ट्वेंटी, ट्वेंटी फैक्टर करो प्लस करके है नाइन, तो फोर और फाइव, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स, फोर और फाइव, एक्स मत अभी करो, फोर और फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से टू एक्स कॉमन करो, टू एक्स कॉमन तो एक्स माइनस टू, माइनस का फाइव कॉमन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों से एक्स माइनस टू कॉमन होगा तो एक्स माइनस टू कॉमन कर लिया तो यह जाएगा टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, एक बार टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू, यही आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, टू ए एक्स और प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो, भैया देखो ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर के फैक्टर करो प्लस करके आए टू ए, तो ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा टू ए और ये एक्स है और ये आ जाएगा प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस वन और प्लस का वन कॉमन, ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब ए एक्स प्लस वन कॉमन कर लेंगे, ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन कॉमन कर लिए, ठीक है, तो बचेगा आपका कितना, ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन आपका बचेगा और इज इक्वल टू जीरो, दो एक को इक्वल कर लो, ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जो आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए, यही आंसर, जीरो नहीं आना चाहिए एक्स की वैल्यू, बस इतना आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ये आप अपने आप से ट्राई करना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें आप मल्टीप्लाई करना, कॉमन करना, ए इज इक्वल टू, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन ये आपका है, क्योंकि आप आपने देखा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सेम पैटर्न है, आप अपने आप से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, देखो अंडर रूट वाले क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते हैं आप लोगों को। अंडर रूट 3x² + 10x + का 7√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये रूट थ्री से इसके मल्टीप्लाई करना तो 3 हो जाएगा, जब रूट 7√3 × √3 करेंगे 3 होगा, और 7 से 21, 21 फैक्टर करो प्लस करके आए 10, तो 7 और 3, √3x² + 7 + 3x + 7√3 इज इक्वल टू 0। √3x² + 7x + 3x + 7√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा और यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से आप करो √3x कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 7/√3, और इसमें कॉमन करो प्लस का थ्री कॉमन करोगे तो ये आपका हो जाएगा x+7/√3 और 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से एक ब्रैकेट बनेगा ये √3x+3, और एक ब्रैकेट बनेगा x+7/√3, ये 7/√3 ही 3 लिखा है, इज इक्वल टू 0। तो √3x+3 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -3, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू -3/√3, ठीक है। इसको आप रेशनलाइज करा सकते हो, तो ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा -3√3, तो इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा -√3। एक बार आप इसको इक्वल कर दो, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या होगा कि x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7√3, बस यही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं x²-1+√2x+√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x²+1+√2x+√2 इज इक्वल टू 0, क्या करना, आप सिंपली इसमें से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा x²+x+√2x+√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है, इनमें x कॉमन है तो ये x+1 हो जाएगा, प्लस का √2 कॉमन है तो x+1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनमें क्या कॉमन होगा, इनमें कॉमन होगा x+1, तो एक में आ जाएगा x+√2 इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x+√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये 2/x²-5/x+2 इज इक्वल टू 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के, तो 2/x²-5/x+2 इज इक्वल टू 0, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आप क्या करो कि लेट कर लो, लेट 1/x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1/x² है, तो ये हो जाएगा 2t² - 5t + 2 इज इक्वल टू 0। अब 4 के फैक्टर को प्लस करके 5, 4 वन जा 5, 2t² माइनस ये हो जाएगा
फोर प्लस वन टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू टी कॉमन हो जाएगा, टू टी माइनस टू माइनस का, सॉरी यहाँ पे टू टी कॉमन हो, टी माइनस टू और माइनस का वन कॉमन होगा तो टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक ब्रैकेट में आ जाएगा टू टी माइनस वन, एक में आ जाएगा टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टी माइनस टू को इक्वल कर दो जीरो के तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू आ जाएगा टू, एक बार टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कर दो टी इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू। देखो यहाँ पे ये आ गया टी की जो वैल्यू टू आ गई, तो अभी आपने टी वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी लेट किया था, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जो आ जाएगा वन अपॉन टू और एक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू, यही दो आपके आंसर। नेक्स्ट वीडियो 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है थ्री एक्स माइनस एट अपॉन एक्स, थ्री एक्स माइनस एट अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, ये क्वेश्चन है थ्री एक्स माइनस एट अपॉन, थ्री एक्स माइनस एट अपॉन टू, एट अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें देखो इसके नीचे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट इज इक्वल टू टू, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थ्री एक्स माइनस एट इज इक्वल टू टू एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, 24 के फैक्टर करो माइनस करके आए टू, ठीक है 24, सिक्स और फोर, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस टू एक्स, सिक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स कॉमन एक्स माइनस टू प्लस का फोर कॉमन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार दिखा दो थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस फोर बाई थ्री, एक में एक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, यही आंसर, एक ये और एक ये। नेक्स्ट ये अब क्वेश्चन है, देखो एट जो दिया गया है आपका एट अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम आप लो, इनमें इनमें एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम जो होगा एक्स प्लस थ्री और टू माइनस एक्स आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सिक्सटीन माइनस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब देखो सिक्सटीन में नाइन होंगे सेवन, सेवन और एट एक्स में थ्री एक्स हो जाएगा माइनस का इलेवन एक्स अपॉन, ठीक है माइनस का इलेवन एक्स अपॉन, अब इनको मल्टीप्लाई करा लो, तो टू से कराएंगे तो टू एक्स प्लस सिक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो सेवन माइनस इलेवन एक्स इज इक्वल टू टू, टू जा फोर एक्स प्लस का टू सिक्स जा ट्वेल्व माइनस टू एक्स स्क्वायर
और माइनस का 6x। ठीक, अब इसको ये सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 7 माइनस 11x, 4x में 6x, तो माइनस का 2x तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक, और प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 12 और माइनस 7 तो बचेगा आपका, ये लिख लो 2x स्क्वायर, फिर 11 ये हो जाएगा माइनस का 9x और माइनस का हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। 5 के फैक्टर करो, वो 10 के 5 टू जा 10 के फैक्टर करो, माइनस करके 9। ठीक है, 10 वन जा 10, तो 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन होगा x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार अब ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ जो x की वैल्यू निकलेंगी वो दो निकलेंगी, एक तो निकलेगा माइनस माइनस का 1/2 और एक निकलेगा 5, माइनस का 1/2 और 5, यही आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो एलसीएम ले लो दोनों में, एक में ले लो x माइनस 1 ये हो जाएगा और x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू आपका 3 गिवन ही है पहले से ही, इज इक्वल टू क्या है आपका 3 दिया ही है। ठीक है, इज इक्वल टू आपका 3, सॉल्व करो भाई। देखो अब सॉल्व कर रहे हैं, ये इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स कराओगे एक्स स्क्वायर, एक्स कराओगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स, टू से कराओगे प्लस का 2x। ठीक है, 2x और प्लस का 2 प्लस, अब इससे कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 ये रहेगा। नीचे करा लोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स प्लस का 2x माइनस का 2। ठीक है, अब जो आपका बनेगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x। देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस का 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा अपॉन ये एक्स स्क्वायर और ये बचेगा प्लस का एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। सबको इधर लो तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x
और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन मिल गई। अब इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सेम फॉर्मेट से कि माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब माइनस साइन कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 10 के फैक्टर करो, माइनस करके है 3, 5 और 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 2x इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही काम, कॉमन करो एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5 माइनस 2 कॉमन करो, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगा आपकी माइनस 5, यही आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, इस पर आप ट्राई करना, 16 वाले पे अपने आप से ट्राई करो, जो नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो कौन सा नंबर आपको नहीं आ रहा है। 17 17 भी आप ट्राई करो, 18 18 18 मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको बता दे रहा हूँ। 18 में क्या किया जा रहा है देखिए, अंडर रूट 18 में क्या कहा जा रहा है, अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x, अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x। इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर। इसके आगे इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, इसको भेजो उधर, तो x ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आप इक्वेशन यहाँ से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 3x प्लस 1 को y लेट कर लो, तो लेट कर लो, इसमें देखो लेट क्या करना है, इसे प्रॉब्लम क्या खड़ी कर रहा है। 3x प्लस 1 ना होता तो मैं अच्छे से इसको सॉल्व कर लेता, इसकी जगह पे लेट कर लो, लेट 3x माइनस, इसमें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो ये आपका हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 40 के 8 5 जब 40 के फैक्टर करो, माइनस करके आए 6, 40 के फैक्टर करो माइनस करके आए 6। ठीक, 10 10 और 4, तो 5y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 5y कॉमन, y प्लस 2 माइनस का 4 कॉमन, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 5y माइनस 4 और यह आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y की वैल्यू आपकी अलग अलग निकलेंगी, एक तो y की वैल्यू निकलेगी 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। एक y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4/5 निकला। आपने लेट भी किया है कि जो है कि जो y है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 है, 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो लेट आपने किया था y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, आप इसमें पुट करो y का वैल्यू, तो ये 4/5 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो इसमें जो 3x 3x इज इक्वल टू आएगा, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5
माइनस का 1, तो यह आ जाएगा आपका कितना 15, 15 में 4 11, माइनस का 11 अपॉन 15, ये 3 मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू यह आ जाएगी। ठीक है, एक बार 2 को भी पुट करके आप माइनस 2 को पुट करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे दिया है, मतलब पी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। तो इस इक्वेशन में रखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस देखो प्लस करके 1 आए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि प्लस करके 1 कैसे आएगा, तो ये माइनस 1 होगा। ठीक है, अब इसमें समझने वाला क्वेश्चन है, देखो थोड़ी समझदारी। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समझना। इसमें आप पी प्लस 1, पी इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे पी इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 2 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन, इनमें कॉमन एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों से एक्स माइनस 3 कॉमन है और ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, एक में आ जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 0, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, यही आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें कह रहा है पी प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और क्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो पहले इसमें आप कर लीजिए पी इज इक्वल टू माइनस 7 यहाँ आ जाएगा और क्यू इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, जहाँ पी और क्यू है वहाँ 7 और 12 रख लो। तो पुट करना, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू माइनस है तो माइनस 7x हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 12 है तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 फैक्टर करो प्लस करके है 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 होता है, 4 प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इससे क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 हो जाएगा एक्स कॉमन करने में, और माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस 4 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 3,4, यही आपसे पूछ रहे थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू पी इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स ब्रैकेट में 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ p रखो। तो ये देखो p ब्रैकेट में 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 5p इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 5p और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 3 2 6 के फैक्टर करो, माइनस करके 5, तो 6 बन जा, 2p स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2p कॉमन
तो पी प्लस थ्री माइनस का वन कॉमन, पी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक ब्रैकेट में आ जाएगा टू पी माइनस वन और एक में आ जाएगा पी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा टू पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, एक बार हो जाएगा पी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो वन बाई टू ही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हैंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, थ्री है। इन्होंने क्या कहा, एक्स की वैल्यू थ्री है, तो आप के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, एक्स की वैल्यू थ्री है और इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के की वैल्यू इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। के की वैल्यू मिल जाए तो हम फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू थ्री इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या करेंगे, के प्लस टू का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू पुट करो। तो एक्स की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे थ्री, तो नाइन हो जाएगा, और थ्री नाइन थ्री जा 27, और माइनस का ये हो जाएगा के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। 27 और सिक्स हो जाएंगे 33, तो माइनस का के एक्स इज इक्वल टू माइनस का 33। के एक्स, एक्स का वैल्यू हमको पता है थ्री है ना, तो एक्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, सॉरी के की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। जहाँ जहाँ के है वहाँ 11 रख दो, बस। जो के की वैल्यू आपकी निकल के आई है, के की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, माइन प्लस का 11। ठीक है, के की वैल्यू आपकी निकल के आई है, के की वैल्यू आपकी निकल के आई 11। ठीक है, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ 11 रखोगे, तो 11 प्लस 3 हो जाएगा, 11 प्लस 2 हो जाएगा 13, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, 13 6 जा कितना होता है, 78 होता है। 78 के फैक्टर करो, प्लस करके आए 11। ठीक है, 78 के फैक्टर करो, प्लस करके है 11। तो 78 के फैक्टर कितने होंगे, देखो करते हैं, 2 से 2 3 6, 2 9 8, फिर हो जाएगा 13 से 3, फिर 3 से 8। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप अपने आप से ट्राई करना, जिसको जो नहीं आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर, कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।